Hello everyone and welcome to Aptiguru and I hope सबने अपनी रिस्पॉन्स की देख ली होगी और सबको एक टेंटेटिव स्कोर अपना पता लग गया होगा, रॉ स्कोर एटलीस्ट सबको पता लग गया होगा, राइट? तो जिसने अभी तक नहीं देखा, मेरे हिसाब से तो सबने देख लिया होगा। अगर बाकी मैंने एक वीडियो किया है चैलेंज क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी जो आप चैलेंज कर सकते हो तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों को लगते हैं ठीक है, बट वो भी मैंने बताए हैं कि चैलेंज क्वेश्चन आपको कौन से कर देने चाहिए, राइट, जो कि गलत हैं बिल्कुल क्वेश्चंस। तो उसके बाद बात आ जाती है, अब स्कोर आपको पता लग गया तो सबके मन में आ रहा होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, राइट? कई लोग तो सोच के ये चलते हैं ना कि टीयर वन क्वालिफाई होगा तभी टीयर टू की तैयारी करेंगे। ओके, जबकि मेरा मानना है आपको टीयर वन की पूरी तैयारी करनी चाहिए, टीयर वन टीयर टू की, राइट? वो चांस की बात है कि टीयर वन अगर बाय चांस एक आधे मार्क से रह भी जाए, राइट, तो वैसे तो टीयर वन अब दोबारा भी होगा इस साल में। ओके, तो फिर से आप लोग जो जिनका बाय चांस अगर कुछ रह जाता है, वरना तो टीयर टू के लिए आप तैयार हो सकते हैं अभी से, जिनका भी टीयर वन, आई होप, राइट, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं कि आप टीयर वन क्वालिफाई करें और टीयर टू में आ जाएं। तो अभी बात करते हैं कट ऑफ की, तो उससे पहले थोड़ा सा समझेंगे इसको, राइट, रेंडम गैस नहीं करेंगे। ओके, रेंडम गैस से अच्छा है थोड़ा सा इसको समझ लें कि कॉम्पिटिशन किस तरह का है, किस तरह की कट ऑफ जो है जाती है। तो अगर आप समझे कि 2019 से देखो, मैंने 19, 20, 21 और उसके बाद 2022 की बात करते हैं, राइट? तो एप्लीकेंट आपके, राइट, यहां पे लिखे हुए, बट ये एप्लीकेंट तो बिल्कुल कंपटीशन कभी होता ही नहीं है। एक्चुअली कितने कैंडिडेट अपियर हुए, राइट, उस पर हम बात करते हैं। तो एप्लीकेंट देखो 41 लाख तक भी रहे थे 2019 में, बहुत ज्यादा थे एप्लीकेंट, बट 14 लाख अपियर हुए थे। ओके, तो कंपटीशन का लेवल आप समझ सकते हैं, उसमें से हम बात करेंगे कि किस तरह की कट ऑफ वहां रही थी, किस तरह की वैकेंसी थी वहां पे, तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे ज्यादा बेटर, राइट? तो 41 लाख ने अप्लाई किया, राइट, पैसे 41 लाख ने दिए, बट 14 लाख जो है वो अपियर हुए। फिर 37 लाख ने अप्लाई किया, बट 11 लाख अपियर हुए, राइट, 2020 में। 2021 में 36 लाख ने अप्लाई किया और 14 लाख अपियर हुए, तो अभी 32 लाख ने अप्लाई किया था और अप्रोक्सीमेट 12 लाख जो है वो अपियर हुए हैं इस 2022 वाले CHSL टीयर वन में, राइट? ओके, तो एक आइडिया आपको समझ में आता है कि कितने लोग अपियर होते हैं, तो उसमें से हमारी ये जो वैकेंसीज हैं उसके अकॉर्डिंगली कितने लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, कितने लोग टीयर जो टीयर टू में आएंगे, राइट? अभी तो स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, हम उसकी भी बात करेंगे, तो मैं वो भी बताऊंगा कि इस बार क्या स्ट्रक्चर होने वाला है टीयर टू का भी, और डिस्क्रिप्टिव इस बार नहीं है तो वो भी देखेंगे। ओके, तो ये देखो, तो हम थोड़ा सा पीछे की बात करते हैं 2019 में, और ये जो है अनरिजर्व्ड की, ये जो कट ऑफ दिखा रखी है अनरिजर्व्ड की, मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूंगा EWS, OBC और SC और ST की भी कट ऑफ कितनी रह सकती है और कितनी उसके आसपास होती है, तो वो भी मैं बताऊंगा, राइट? तो पहले समझेंगे 2019 की अनरिजर्व्ड की कट ऑफ, राइट, तकरीबन 160 के पास पहुंच गई थी, 159 कट ऑफ थी अनरिजर्व्ड की, राइट, जहां पे वैकेंसीज थी 4600, राइट, और मैंने आपको दिखाया 14 लाख अपीयर हुए थे, राइट, 14 लाख कैंडिडेट में से 4600 को नौकरी मिलनी थी, उसमें जो टीयर वन की कट ऑफ गई वो 159 कट ऑफ थी। ओके, 2020 में, राइट, 141 कट ऑफ थी, 4700 यहां पे वैकेंसीज थी, राइट, यहां पे कट ऑफ। अब कट ऑफ का ऊपर या नीचे जाना कई बार क्या होता है कि कट ऑफ थोड़ा सा इस पे भी डिपेंड करती है कि इजी आ गया या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, राइट, और नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड कर जाती है। जैसे यहां पे तो अगर मैं कहूं, यहां पे तो कैंडिडेट थोड़ा कम था, 11 लाख के करीब कैंडिडेट था, राइट, बट उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हल्का सा एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल हल्का सा उससे चेंज आप मान सकते हैं, जिसके कारण ये 141 की गई होगी। जरा सा भी चेंज होता है ना डिफिकल्टी लेवल में तो कट ऑफ में वेरिएशन आ जाता है,
ओके, बट नॉर्मली सीएचएसएल की जो जो डिफिकल्टी लेवल है वो आपने इस बार भी देखा, बहुत आसान ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा भी मुश्किल नहीं होता, राइट, ठीक रहता है, एवरेज रहता है. ओके, तो यहां पे आप आगे देखेंगे तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि 140 कट ऑफ होने का रीजन, राइट, ये 6000 वैकेंसीज, राइट, वैकेंसीज बढ़ गई थी. ओके, इससे आप देख सकते हैं तो तकरीबन तकरीबन 1/4 के करीब बढ़ गई थी, 4700 से 6000, 4800 से 6000, एग्जैक्टली 25% इंक्रीज होता तो ये 25 क्या का तकरीबन तकरीबन 25 से भी ज्यादा परसेंट का इंक्रीज हो गया था. ओके, वैकेंसीज में तो ठीक था, बट अभी अगर मैं कहूं तो ऑन एन एवरेज वैसी ही वैकेंसीज फिर आ रही हैं, बट एक ट्रेंड होता है जो अभी भी देख के लग रहा है और हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर देख के लग रहा है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको कि स्टूडेंट्स का जो रॉ स्कोर जैसे आ रहा है, सबमिट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अभी भी जो एक्सपेक्टेड वही है कि मुझे लग रहा है कि 140 के आसपास ही जो है वो अच्छा स्कोर हो सकता है इस बार भी, क्लियर करने वाला स्कोर जो टीयर टू की तरफ आ सकता है. बट मैं अभी उसके बिल्कुल कंक्रीट मुद्दे पे आते हैं, बिल्कुल कैसा स्कोर, किस तरह का स्कोर आपको टीयर टू में पहुंचा देगा, राइट. तो आपको एक रफ आइडिया सो हो गया होगा इससे देख के, ये तो पता लगता है कि जिसके अगर चलो 145 के पास कोई पहुंच जाता है तो पक्का ही उसको चांस होता है भाई अब तो सेफ स्कोर है, राइट. तो आज अभी का सेफ स्कोर समझेंगे, राइट. तो यहां जनरली क्या होता है, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड इन टीयर टू होते हैं वो 10 टाइम्स होते हैं टोटल वैकेंसीज के, राइट, टोटल वैकेंसीज के अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स होते हैं जो कि सेकंड टीयर टू में, राइट, जिनको प्लेस मिलता है टीयर टू में. तो इसका मतलब इस बार 45,000, राइट, तकरीबन तकरीबन 45,000 होंगे जो टीयर टू में जिनको प्लेस मिलेगा, जिनको टीयर टू जिनका लिया जाएगा, राइट. तो अब ये अगर मैं 45,000 कहूं तो आउट ऑफ 12 लाख्स, राइट, आप ये भी समझे कि 45,000 की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 12 लाख्स की बात कर रहे हैं इधर, राइट. तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि मैं 15 × 3, 15 × 8, 0, राइट, 3 out of 80 कैंडिडेट, राइट, 3 out of 80 कैंडिडेट आप ये लगा सकते हैं, हर 25-26 कैंडिडेट के पीछे एक. ओके, ये जो होगा वो टीयर टू में जाएगा. ओके, आप कंपटीशन को भी थोड़ा समझे ना कि हर 25-26 में से एक. बट जनरली वो कहते हैं ना कि मैं इंडस्ट्री का रूल लेके चलूं तो वो एक 80-20 रूल होता है. 80-20 रूल का मतलब होता है कि जितनों ने भी एक्चुअली में फॉर्म भरा है या जो एग्जाम देने आए हैं, राइट, एग्जाम जो देने भी आए हैं उसमें से भी सिर्फ 20% ही होते हैं जो कॉम्पिटिशन में होते हैं. 80% तो एक्चुअली में टाइम पास कर रहे होते हैं, राइट, वो प्रिपरेशन नहीं करते, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं, उन्होंने सिर्फ एक कैंडिडेट बस बढ़ाना होता है, राइट. तो ये तो आपका एक नॉर्मल रूल है कि 80-20 रूल, जिसमें 20% ही लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं, कंपटीशन में होते हैं. तो अगर 12 लाख भी वहां पे भरे हैं, 12 लाख उसमें से एग्जाम जिन्होंने दिया है, तो आप ये लगा लो 12 लाख में से भी 20% ही, यानी कि 2,40,000 कैंडिडेट अप्रोक्सीमेट ये होंगे जो कम्पीट कर रहे होंगे. तो 2,40,000 में से 45,000 समझो कि जो टीयर टू में आएंगे, राइट. तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 2,40,000 में से 45,000, यानी कि फर्दर उन जो कॉम्पीट कर रहे हैं उनमें से 20% को, राइट, ये नौकरी मिलने वाली है, राइट. 20%, 2,40,000, मतलब 20% नहीं, 2% को. ओके, सो 2,40,000 मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें से आप 2 0 हटा दो, यानी कि 2% को, 2% को नौकरी मिलने वाली है. ओके, फाइनल नौकरी. तो चलो इस पे बात करते हैं तो एक आइडिया हो गया, कंपटीशन काफी होता है, कंपटीशन फिर भी अगर 20% भी कम्पीट कर रहे हैं तो काफी हो जाते हैं इसमें नौकरी के लिए. बट आपको यह समझना चाहिए कि 20% हमें ऐसा होता जाता है कि नौकरी ये किसी को मिल गई, दूसरी किसी को मिल गई, तीसरी किसी को मिल गई, ये एक पर्टिकुलर नौकरी है जो सीएचएसएल की है, राइट. सारे इसी में फाइनली एंड अप नहीं करेंगे, कोई सीजीएल क्लियर कर लेगा, कोई सीएचएसएल क्लियर कर लेगा, कोई कहीं और जॉब्स लग जाएंगी गवर्नमेंट जॉब की, तो काफी ऑप्शंस होती हैं. तो आपके पास
कहीं ना कहीं सेटलमेंट होती रहती है, कुछ स्टेट्स स्टेट में क्लियर कर देते हैं। ओके, तो देखते हैं, अभी आते हैं थोड़ा सा कंक्रीट मुद्दे पे कि किस तरह की कट ऑफ इस बार एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहां देखते हैं, ये जो बेस्ड ऑन जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं जो बच्चों के जो सबमिट हो रहे हैं, तो उस पे राइट सेक्शनल रीजनिंग में तकरीबन तकरीबन 41 मार्क्स, राइट जनरल नॉलेज 21, इंग्लिश में 34 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 39। सो ओवरऑल जो एवरेज मार्क्स एक्सपेक्टेड है वो 134 से 138, राइट। तो मैं कहीं ना कहीं 140 की बजाय भी इस बार जिस तरह का स्कोर आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन करके क्या करते हैं तो हो सकता है वो 140 पे ही पहुंचा दे, राइट। अदरवाइज 138 प्लस पे काफी हाई चांसेस होंगे कि आपको राइट टीयर टू में प्लेस मिल जाए, राइट। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, राइट। तो अनरिजर्व में मैं यहां पे सारा एक आपको आइडिया देता हूं कि अनरिजर्व में आप 138 प्लस पे तो पक्का यहां पे चांस हो सकता है आपका उसमें, और इसमें आप प्लस माइनस 2-3 स्कोर लेके चला करो, राइट। अगर किसी के 135 भी आए हैं तो वो भी अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दे, अगर पॉइंटों पे रह भी गया तो। ऐसा ना हो ना कि मेरी टीयर टू में आ गया मेरा और उसके बाद मुझे पता चले कि मैं तो तैयारी शुरू ही नहीं की, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, राइट। तो उस टाइम पे आप ऐसा मत करना कि सर ने तो कहा था कि ना ना 138 प्लस पे आएगी, मेरे तो 135 आए थे इसलिए मैंने नहीं की तैयारी, ऐसा नहीं करते। ओके, इवन इफ के आपके 130 प्लस है, आप तैयारी जरूर शुरू कर दो, राइट। टीयर टू की तैयारी शुरू कर दो। ओके, बाद में देखेंगे वो नॉर्मलाइज हो के कितना स्कोर बनता है, क्योंकि आपकी कौन सी शिफ्ट थी, क्या नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस रहता है। जैसे 14th मार्च वाले का जो है वो काफी डिफिकल्ट बताते हैं, तो बट उसमें भी होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ज्यादा नहीं रह सकते हम। अब ये तो लक था कि किसी को डिफिकल्ट शिफ्ट मिल गई, किसी को नॉर्मल शिफ्ट मिल गई। नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्मलाइजेशन जब होती है, तो आपका वहां पे एवरेज स्कोर से ज्यादा वहां मैटर करता है कैसे नॉर्मलाइजेशन करते होंगे। जैसे हम लीनियरली, मैं समझता हूं कि अगर किसी का वहां किसी शिफ्ट में हाईएस्ट स्कोर सपोज 160 है, राइट, और लोएस्ट तो चलो जो भी है लोएस्ट और हाईएस्ट को दिखा देते हैं, जहां पे एक मेजर चंक है, राइट, उसको एक दूसरी शिफ्ट है जिसमें लेट से हाईएस्ट स्कोर 150 है, राइट, और उसका लोएस्ट स्कोर जो भी है। अब इसकी मैपिंग ऐसे करेंगे कि 150 को 160 पे पहुंचा देंगे, राइट, लोअर को लोअर के साथ मैच कर दें, तो ये बीच वाला सारा जो जिसके ऊपर मैप कर जाएगा, जैसे मैपिंग होती है, राइट, उतनी ही रेंज में उसको बढ़ा के वहां पे मैप कर दिया। अब प्रॉब्लम यहां पे क्या आती है कि हर शिफ्ट में, चाहे वो जितनी मर्जी डिफिकल्ट शिफ्ट आई हो, उसमें भी कुछ बच्चे तो ऐसे होते ही है ना जो अपनी शिफ्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, राइट। वो शायद वो का कुछ मतलब एक्सेप्शनल बच्चा वो इस सारे जो गणित को खराब कर देता है, राइट, जो सारा मैथमेटिक्स लगना था वो खराब कर आता है। चाहे डिफिकल्ट में भी, कई लोग होते हैं ना डिफिकल्ट में भी पूरा स्कोर कर लेते हैं, अब पूरा स्कोर कर गया तो वहां वो मैपिंग जो है वो खराब कर देता है नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ज्यादा नहीं रहा जा सकता, मैं सच बता रहा हूं, ये सब जगह ऐसा ही होता है, नॉर्मलाइजेशन के भरोसे आप ज्यादा नहीं रह सकते। हाँ, थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, राइट, कहीं पे नुकसान भी हो सकता है, बट नॉर्मलाइजेशन को ज्यादा उसमें मत लेके चलिए, जो रॉ स्कोर से उससे ही थोड़ा प्रेडिक्ट करेंगे। तो अनरिजर्व में अगर इतना रहता है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में इससे आप इस स्कोर से -5 और -10 तक, मतलब 5 से 10 स्कोर नीचे तक आप इन कैटेगरी को भी लेके चल सकते हैं। रादर कई बार तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तो सिमिलर सा ही हो जाता है स्कोर, राइट। तो 5 से 10 मार्क्स नीचे, अगर वहां 138 हम सोच रहे हैं, तो 130 से प्लस पे आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। रादर ओबीसी बिल्कुल ही 5 मार्क्स नीचे तक होती है जनरली। ओके, आपका कट ऑफ क्राइटेरिया देखेंगे तो आप हमेशा इसको इतना ही मार्जिन पे पाएंगे। ओके, और अगर एससी और एसटी की बात करूं तो एससी में यू कैन एक्सपेक्ट कॉल एट 100 प्लस ऑल्सो, मतलब 100 105 पे आपको टीयर 2 एक्सपेक्ट कर सकते हैं,
ओके और एसटी में इवन 90+ पे भी आप सोच सकते हैं कि टीयर टू की तैयारी शुरू कर दें, टीयर टू की तैयारी। ओके तो ये आप एक ब्रॉडली थोड़ा सा पिक्चराइज मन में कर सकते हैं कि इतना सा स्कोर हो, राइट। थोड़ा प्लस माइनस चलता है, हल्का प्लस माइनस, बट वो तो कभी भी हो सकता है, राइट। वो कभी भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, ये भी प्रॉब्लम होती है कि कुछ कितनों ने हमारा डेटा सबमिट किया। अब क्या है कि काफी जनता ऐसी हो सकती है जिसने डेटा सबमिट नहीं किया, तो वो कम हुआ, उससे ज्यादा हुआ, तो उसके बेस पे हल्का सा ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। तो आप बस इसको लेके चलेंगे कि एवरेज मार्क्स जो है वो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो 138 पे पक्का, 130 इवन 130+ पे अनरिजर्व में तैयारी जरूर शुरू कर दें, राइट। हो सकता है आप नॉर्मलाइज करके 135 पे पहुंच जाए, और 135+ पे हमेशा चांस रहेगा, राइट। 135+ पे चांस रहेगा, 138 या 140+ पे सेफ स्कोर हो जाएगा। ओके 140+ पे तो सेफ स्कोर, आप अनरिजर्व टीयर टू की तैयारी पक्का ही उसपे चल जाएगी, राइट। बाकी सब में भी एक आइडिया ये है, एक आइडिया ये है। तो एनीबडी, राइट, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में भी जो 130+ पे है वो तो पक्का ही सोच लेके आगे चलना है और तैयारी शुरू करें, राइट। रेयर केस में अगर नहीं आती है कॉल, कोई एक आधे पॉइंट पे रह जाता है तो कोई बात नहीं, वो हार्ड लक, वो सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है, बट तैयारी जरूर शुरू करें। और अब तैयारी में भी, क्योंकि सेकंड जो स्टेज है, राइट, सेकंड स्टेज है, उसमें भी स्ट्रक्चर चेंज हो गया आपका। अब टीयर टू में क्या होने वाला है, राइट। टीयर टू में आपके पास अब की बार चारों जीएस भी आएगी, राइट। तो जीएस भी आएगी, जीके जीएस आप कह सकते हैं। ओके 20 मार्क्स, राइट, मार्क्स नहीं 20 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 60 मार्क्स हो जाएंगे एक्चुअली। ओके रीजनिंग और मैथ्स, राइट, ये आपके 30-30 क्वेश्चन ऑफ 3-3 मार्क्स, तो इसका मतलब 90-90 मार्क्स इनके हो गए। और इंग्लिश आपकी 40 क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच, 120, तो आपके टोटल जो है 120 क्वेश्चंस होंगे और 360 मार्क्स होंगे, राइट। इसमें भी ब्रॉडली आप ये सोच सकते हैं कि 75% मेरा रूल कहता है कि नॉर्मली टीयर टू में, राइट, जिस हिसाब से अभी होगा, एक आप मोटा मोटा सा लेके चल सकते हैं जी के जी एस में, क्योंकि इतना आसान, वैसे तो हमेशा क्या होता है, ये जो कट ऑफ होती है एग्जाम लेवल पे डिपेंड करती है। जैसे इस बार जीके का लोग काफी बता रहे हैं, तो जीके आसान आ गई, रिलेटिवली आसान। ओके इस बार ठीक थी, नॉर्मल डूएबल थी, बट टीयर टू में भी क्या पता इजी आ जाए। जैसे इस बार सीजीएल टीयर टू हुआ है, कितना आसान आया, राइट। सीजीएल टीयर टू बहुत आसान क्वेश्चन भी आए, बहुत आसान कई शिफ्ट में भी आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट तो काफी इजी थी, बहुत ही इजी थी, एटलीस्ट मैं क्वांट की बात कर रहा हूँ, जीएस तो फिर भी थोड़ा सा था, बट क्वांट तो बहुत ही आसान था। तो ऐसा हो सकता है, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। एक मोटा मोटा सा आइडिया लेके चल सकते हो आप 75% का, के 360 का 75%, यानी अप्रोक्सीमेटली 270 मार्क्स आप सोच सकते हैं कि अगर मैं क्वालिफाई 270 मार्क्स ले आऊं तो टीयर टू क्वालिफाई कर दूंगा आराम से, राइट। ये एक मोटा मोटा आइडिया टीयर टू में इस बार लेके चल सकते हैं आप। आगे इसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए है, वरना सीधा नौकरी मिलेगी आपको, राइट। ओके तो टीयर टू का भी तैयारी आप साथ में शुरू कर दें, मतलब मैक्सिमम लोग, बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, जो भी जिन्होंने भी अपियर किया है, और जो वो मार्जिनल वाले हैं उनको ज्यादा मतलब चिंता होती है, आप तैयारी शुरू करें, राइट, और पढ़ते रहें। आगे बहुत सारे एग्जाम और भी आ रहे हैं, तो आप एग्जाम देंगे अब तो इस साल, तो वैकेंसी आप ये सोच के चलें कि जो जो भी वो मार्जिनल थोड़ा सा भी सोचते हैं इस साल नौकरी लेनी है, राइट, तो तैयारी पूरी रखें, राइट, पढ़ते रहें। बस आप जो अच्छा काम कर सकते हैं ना इस टाइम पे, वो है कि पढ़ाई करो, राइट, और पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो बस यही काम आप कर सकते हैं, तो और कुछ बस फिंगर क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस, तो बस भगवान का नाम लो और लगे रहो, राइट। ओके तो आज के लिए इतना ही, और मैंने वो जो आप वो देख सकते हैं, अगर किसी ने अभी वो चैलेंज नहीं किया क्वेश्चन, तो आज और कल में आप वो चैलेंज कर दें क्वेश्चंस, राइट, जो मैंने चैलेंज वाला वीडियो भी बनाया है क्वेश्चंस का, तो वो भी जरूर देख लें, राइट।
सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद. और एप्टी गुरु चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर पक्का करें. ओके, थैंक यू.